ये मैंने सीक्रेट बताया, कोई मेरे से नाराज हो गया, बहुत परेशान करके रखा हुआ है मेरे को इसने। अब मैं आऊंगी नहीं अंदर, जैसे डिसरिस्पेक्ट से बुलाती है ना। कोई ठीक है, सीसीडी की ब्राउनी होती है, अभी है 1500। वो खाने का मन कर रहा है। हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जस्ट एवी ब्लॉग है ये आज हमारा, और इस मोटे को बाहर खाने जाना है। हाय, एक फर्जीपन कर दिया इसने आज। ब्लॉगिंग वाला जो गिम्बल होता है वो लेकर नहीं आई, और ऐसे हाथ से ऐसे पकड़ के ऐसे कर रही है। क्या ये उससे कोई मेरे से नाराज हो गया? तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं यार, नाराज तो बंदा होता ही है, लेकिन नाराजगी में मैं कितना हंस रहा हूँ, कितना मुस्कुरा रहा हूँ। इतना काइंड और जेन्युइन हूँ यार मैं। मेरे को अपने में बहुत गर्व है यार इस बात के लिए। बहुत अच्छा है। ओके, तेरे हमें कुछ नहीं, कुछ तेरी शरारत लग रही है मेरे को। क्या करने वाली है? मौसम के लिए कौन सा गाना वो एक अच्छा होता है ना, शाम का जो मौसम, वो शाम मस्तानी वाला। हाँ, क्या करना है? गाते हैं उसे दोनों। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जार। आगे क्या है? आगे जाओ, आगे क्या घूमो, पूरा मेरे को 360 डिग्री घुमा दिया। मेरे जो लिरिक्स है आपको पता ही है कितने माशाल्लाह है। मेरे भी तो तेरे से ज्यादा अच्छे हैं। फेक स्माइल देखिए, इसकी वजह से हंसना पड़ता है, क्या करूं मैं? बताओ अभी आपको रमजान का मंथ शुरू होने वाला है, अभी कितने दिन रह गए? 4 दिन तो रह गए सिर्फ। yes. 4 दिन के बाद हु ऑल आर एक्साइटेड फॉर दिस रमजान? क्या हो गया, भगा के लेके जा रही है? मेरे नींद में ऑलरेडी लगी हुई है, और तो मेरे को फटाफट बोले भागो भागो नहीं, भागो। तो आज बड़े गर्व से बता रहे थे ना कि बस, मैंने आज नहीं रहने दे रहे। केजीज में बताने की जरूरत नहीं है किसी को, मैं कोई इतना कोई फन्ने खा नहीं हूँ कि वो कोई बहुत इतनी बड़ी बात नहीं है, तो हमें फिगर्स डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। राइट, बट सबसे हेवीएस्ट वेट उठा के तब पैरों में दर्द नहीं हुआ साहब आपके? वो फिर मेरे को आदत है ना, मेरे को अच्छा लगता है वैसा करना। सब ये पति लोग बीवियों की बात मानेंगे कब? कयामत के दिन। बातें ऐसे करेगी तो स्माइल तो होगी होगी मेरी। तुमने कहीं पे कहीं अपने लगवाते रहो, यही क्या? आहो, तो गाइस हमारा जो बैंकिंग का काम था वो डन हो चुका है, और तुम्हारी मेहरबानी से आज क्या हम 2-4 दिन से ना मुझे ब्राउनी जो केक होता है वो खाने का मन कर रहा है। बहुत, तो बहुत परेशान करके रखा हुआ है मेरे को इसने। तो आज हम निकले क्योंकि आज सैटरडे है, तो टाइम होता है निकलने का, सुबह कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा लेट भी हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए सैटरडे इज द बेस्ट टाइम फॉर अस। देखिए जो रमजान का माहौल है वो हर जगह नजर आ रहा है। दो बार ऐसा हो गया है, तूने ना क्रॉस करने के चक्कर में मेरे को भगा दिया, तेरे को पता है मेरे लगी हुई है, उसके बाद जानबूझ के ना। हमें तो तुम माफ ही कर देना। हम माफ नहीं करूंगा, तुम्हें साफ कर दूंगा। एक तो बाय गॉड माउंट आपके नखरे इतने हैं ना मेरे। हाँ, कैसे? आपके नखरे कैसे? अभी नहीं जाना, अभी ये नहीं करना यार, अभी, देख, नहीं करना। अभी हम खाने के लिए निकले हैं तो बेटर है कि हम उसी पे फोकस करें ना, कपड़े जूते हम खाने के लिए, वो हम, पता नहीं क्या हम खाने के लिए नहीं निकले हैं, तो खिलाने के लिए निकले, लंगर लगाना है हमने। हम जो निकले हैं बता दो। नो, वी डू नॉट नीड। पैसे कौन से आ गए यार? बस कहाँ है मेरे पास, कुछ भी नहीं है यार। अच्छा चलो मेरे पास है। हाँ देखा, पैसे भी तेरे पास है? Yes. सही में? हाँ। तो मेरे को ऐसे ही तब से बना के रखा हुआ है कैपिटल। एक है ना ये मिष्ठान करके कुछ है, वहाँ पे गोलगप्पे मिलते होंगे, पूछ लेंगे, खाएंगे नहीं लेकिन, बट मुझे गोलगप्पे खाने हैं। चल देखते हैं, पता करते हैं। शुक्रिया। मिठाई देख के ना आपने वो मत कर दू, गोलगप्पे खाने आए ना मतलब हम गोलगप्पे ही सिर्फ नहीं खाएंगे, मिठाई भी खाएंगे। मिठाई भी। क्या हो गया? ये टोकर मिला है कुछ, तेरे को देना सेफ नहीं है। क्या चाहिए? खट्टा मिठाई। मट्ठा कीटा? इतनी खुशी मैंने कभी नहीं देखी आज तक। नहीं मेरे को मत दे, मेरे को नहीं खाना। थोड़ा धीरे धीरे तो भूल गया। इसको अच्छा तीखा बना के दो ताकि इसको सुबह पता लग जाए। एक ले। मैं तो बिल्कुल नहीं खा रहा, सच में नहीं खा रहा मैं।
मन नहीं है मेरा खाने का। अजीब हो चुका। अभी है 15-20 और। ये लास्ट है ना? जान बची है। मुझे 6 ही खाने आते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है मैंने कितने खा लिए। चल तू खा आराम से, ठीक है? मैं तब तक जाता हूँ। ओके, किधर? कहीं तो अभी चला ही जाऊँगा। तुमने जाना तो भाई नहीं। अभी तेरा, अभी देख मेरी बात सुन, तेरा हो गया ना अभी, तूने बाहर खाना था तो उन्हें खा लिया, ठीक है? अभी रहने देते हैं, अभी ब्राउनी की क्या जरूरत है, छोड़ दे। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, आप 4 कर दीजिए, मतलब टोटल 6 हो जाएगी ना, 4 का 6 हो जाएगा। दे हैव ओनली 3 पीसेस। मुझे स्वीट खाना है तो फिलहाल 3 जो पेस्ट्री वो सारी दे दो भैया। सारी तो ऐसे बोले जैसे 60-70 है उसके पास। 3 है तो सारी बोलने में बहुत ऐसे मतलब अच्छा लगता है ना, बहुत खुशी मिलती है कि सारी उठाई है हमने। कभी आपका भी मन ललचा गया? हम लोग बहुत कंफ्यूज हो गए। एनिवर्सरी पे हमने केक खरीदा था, फुल ऑफ चॉकलेट था इनसाइड आउट। वो केक हमें वैसे खाने में इतना अच्छा नहीं लगा, तो हमने सोचा कि क्यों ना उसको घर लेके जाएं। और फिर उसका एकदम हमें ध्यान आया कि यार ब्राउनी का ट्राई करके देखते हैं। तो हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा काट के ओवन में डाल दिया। ओवन में उसको सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने चलाया, और जब निकाला तो, और जब खाया ना हमने, तो बिल्कुल जैसे ना CCD की ब्राउनी होती है, बिल्कुल वो टेस्ट आया। हमने जो आपको है ना एक सीक्रेट बताया है, तो टोटल पूरा चॉकलेट वाला केक लीजिए, एकदम डार्क चॉकलेट वाला, और उसको माइक्रोवेव में उसे थोड़ा गर्म करिए। इट विल टर्न आउट टू बी अ ब्लास्ट, लाइक चॉकलेट, हॉट चॉकलेट ब्राउनी आपको खाने को मिलेगी। तो अभी हमने पेस्ट्री तो ये आप ट्राई करिएगा, ये मैंने सीक्रेट बताया। हाँ, ये भी ले मो कि क्या करें? हाँ हाँ बिल्कुल, आया तो क्यों ना हम फायदा उठाए ना यहाँ पे। तो हम पहले भी शायद ऐसे लेके गए थे ना लास्ट टाइम आए थे। एक, अरे यार किस किस की आदत है कि हम एकदम नीचे से उठाते हैं चीज़ है ना, हम इंडियंस की आदत होती है ना। बैज लालची लोग देखे अच्छी वाली, और इसको पता नहीं है मैंने क्या बोला, भारी वाली होगी। मैंने अच्छी और भारी वाली। हाँ प्लीज, क्या करें? मुझे नहीं पता क्या बोला आपने। हाँ आपको देनी है भैया, हम गिफ्ट रैप करवा लेंगे, अपने पड़ोसियों को भी दे देंगे। अंदर से तो पूरे खुश हो रहे हो तुम। मैं क्या करूँ यार, तुम्हें मिस्टू बहुत पसंद है ना? यस। इनका नाम मैं मिस्टर सिंह रखने वाली हूँ। थैंक यू। याद आया मुझे, क्यों नहीं? कितना टाइम हुआ है, कितना टाइम हुआ है अपने को? आई थिंक जैन में आए थे हम लोग। क्या करना है, पैदल चलना है कि पैदल चलना है? मैं बोल रही हूँ उड़ के चलते हैं। चल उड़ फिर, तेरे पास तो पंख भी है, मेरे पास तो है भी नहीं। भाई साहब यार, मैं तेरे को बहुत पहले भी बात बोलने चाह रहा था कि मैं तेरा भाई साहब नहीं हूँ यार। मैं आपको फिर आगे चल के जब यहाँ आगे चल के इधर तो जब हम थोड़े बूढ़े से हो जाएंगे तो मैं आपको फिर मम्मी जैसे कौशिक साहब बोलूँगी। मेरे को तो जैसे डिसरिस्पेक्ट से बुलाती है ना, मेरे को भी ठीक है। देख रहे हो, हम लोगों को इज्जत रास नहीं आती। अगर आपने नोटिस किया है, पता नहीं हमारी सारी वीडियोस में क्या, इट इज़ लाइक मैं इनके लिए माऊ हूँ और ये मेरे माऊ है, तो वी बोथ कॉल ईच अदर माऊ की पावर टू। क्यों सारे घर वाले भी हमें इसी नाम से जुड़ाते हैं, माऊ माऊ। मेरे को डॉक्टर की विजिट करना चाहिए एक बार। तो 15 दिन से मैं क्या कह रही थी आपको, जाके आओ तो यार उसने कौन सा कुछ ट्रीट थोड़ी किया है मुझे ना, उसने कोई क्योर किया है, उसने सिर्फ मेरे को मेडिसिन बताई है जो मैंने अभी तक खाई नहीं है, और फिर भी मुझे इम्प्रूवमेंट फील हो रही है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है लाइफ में कि आप जो नहीं चाहते करना वो आपको करना पड़ जाता है, लेकिन उसमें भला भी हो जाता है इंसान का। पता करके आओ, मैं बाहर ही खड़ी हूँ, नहीं तो मैं आऊँगी तो फिर बोलूँगी, मैं फिर बोलने लगूंगी ना ये भी ले लो वो भी ले लो। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, जाओ अकेले ही जाओ, अब मैं आऊँगी ही नहीं अंदर। शुक्र है। क्यों आओ? मैं नहीं तो सही हूँ। आपने मना किया था ना मुझे अंदर आने से। इसलिए, लेकिन मुझे बहुत ज़रूरत लगी तुम्हारी, इसलिए मैंने तुम्हें बोला। वहाँ देखे किए वाला है इनके पास, मतलब जो जो हम खाते हैं एग्जैक्टली सुपारी वो चीज़ नहीं है। वहाँ पे वो अंबर का ठंड में वो बारिश का टाइम में लिखते हैं। क्या हो गया था अंबर में? एक बार अपन सामने यहाँ पर डांस नहीं कर रहे थे? हाँ हाँ। थैंक यू। तो तुमने क्या खरीदा ज़रा मेरे को भी बता दो। ये मैंने नहीं खरीदा जनाब, है क्या मेरे को पहले बता। आपने ये जबरदस्ती मुझे दिलवाया है, मैं ताकि तेरे को बदनाम कर सकूं।
कीवी है, मुझे पसंद है ना। आप हमेशा बोलते हो ना, फिर तुम फिर ये लेने लग जाती है, तुम वो लेने लग जाती है। इस बार मैंने यार, मैं हस्बैंड हूँ, मेरा काम है कंट्रोल करना। ये तो वाइफ का काम होता है कंट्रोल करना, हस्बैंड को भाई घर चलना है ना अभी। मेरे को खाना भी तो खाना है यार। आई थिंक मुझे अभी सॉरी बोल देना चाहिए ताकि ताकि खाना तो मिलेगा। घर चलो अभी आप। मैंने ट्रेलर नहीं देखा। मैंने ट्रेलर नहीं देखा। तो गाइस इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड, क्योंकि हम घर पहुंचने वाले हैं, घर के पास ही नीचे ही हैं। चलिए गाइस लेते हैं आपसे अलविदा, शबा खैर, शुभ रात्रि, बाय। गाइस ये जो है ना, ये 199, ये यहाँ का चीपेस्ट इंटरनेट है, एक तरह से स्पीड कोई इतनी खास अच्छी नहीं होती है, ओके टाइप होती है। आप सोचो कि 200 में मंथली अनलिमिटेड इंटरनेट मिल रहा है यहाँ पे। यार यहाँ पे एक तो ये ना इस तरह से पैम्पलेट्स बहुत छोड़ के जाते हैं, और ये घर पे भी बहुत तो ना ऐसे, जब तक कि मतलब आपके दरवाजे के अंदर वो पैम्पलेट नहीं चले जाएंगे ना, तब तक ये घुसाते रहेंगे।